exactly. तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे. 9 दिन का माता का 9 कलर होता है. तो आज है फर्स्ट डे और फर्स्ट डे होता है येलो कलर. तो हम माँ बेटी दोनों ने ही आज येलो पहन लिया है. मैं आज चाय भी पी रही हूँ मिष्टू के येलो वाले कप में. और मिष्टू अभी सैंडविच खा रही है विद चीज. तो मैं ब्रेड टोस्ट की हूँ बटर से, इससे मैं चाय पी रही हूँ. अभी हम लोग फटाफट चाय पी लेते हैं माँ बेटी, उस पर नीचे जाके देख के आती हूँ कि देवी का स्थापना कैसा हुआ है. अभी हम येलो फैमिली जा रहे हैं नीचे अपने सोसाइटी का देवी के दर्शन करने. और अभी आज हम सब येलो येलो हैं. येलो फैमिली के और एक सदस्य, हेलो. हम लोग निकलते निकलने से पहले ही अनुरोध आ गए, तो फिर हम बोले चलो एक साथ ही जाते हैं. तो थोड़ा वेट किया, उन्होंने इवनिंग में कुछ खाया, उसके बाद हम जा रहे हैं. लेकिन किसी ने खराब कर दिया. बच्चे लोग आते हैं तो उन लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं. ये मिट्टी का दिया है, इतना बड़ा है. नवरात्रि का फर्स्ट डे है. एक अनुज और दो पानी पूरी. अच्छा, तो अभी नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो अनुज लेके आए हैं हमको बाहर. और हम क्या खाने वाले हैं मिष्टू को पता है, मुझे नहीं पता. आलू चाट दो पानी पूरी. जहाँ से स्वीट का स्वीट लेते हैं हम, वही शॉप है ये. उसे बाहर ऐसे स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे स्टॉल पे ऐसा बेचते हैं और अंदर स्वीट बेचते हैं. और ये है आलू टिक्की चाट. आलू टिक्की, हाँ. आज के ये ज़्यादा दिया है लग रहा है. क्या बोलते हैं, दही. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. और आज है नेक्स्ट डे, मतलब आज है फ्राइडे सुबह. और कल डांडिया खेल के आके मैंने और वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया था. अभी जस्ट मैंने बेड कवर चेंज किया है. बाकी हॉल पे भी मतलब जैसा हम कल रात को सब सामान लेके आए थे वैसा ही है. अनिरुद्ध कुछ देर पहले ऑफिस चले गए हैं. मैं सुबह उठ के सब कर्टेंस वो सब हटा देती हूँ. तो चलिए सुबह सुबह के कुछ काम है. खुद को क्लीन कर ली हूँ, खुद नीट एंड क्लीन हूँ, बट घर बहुत मिस है. आप लोगों के साथ आज एक बहुत अच्छा वेज रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग दुर्गा पूजा में वेज नहीं खाते, हम नॉन वेज खाते हैं. हमारे वहाँ पे तो स्टॉल लगता है नॉन वेज रोल, चिकन रोल, बिरयानी, ये सब का. लेकिन अभी बहुत दिन से ना चना दाल मेरे घर पे मतलब पैकेट ला के रखी हूँ, कुछ बनाना ही नहीं हुआ. तो आज मुझे मन कर रहा है कि थोड़ा सा मैं चना दाल का कुछ एक बनाऊँ. चना दाल भिगोऊंगी, भिगो के उसके बाद वो आधा घंटा भीग जाए उसको पेस्ट करके फिर उसको बनाऊंगी और उसका रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी. और यहाँ पे मिष्टू क्लास कर रही है, क्लास करने बैठ गई है. हेलो. और मिष्टू कल जो बिंदी डाली थी वो अभी तक खोली नहीं है. रहने दो, अच्छा लग रहा है. आज मैं ग्रीन बिंदी डाली. ग्रीन कलर है बोल के. ओके.
चना दाल भिगोया था वो अच्छे से भीग गया है और अभी लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा भिगोने से ही हो जाता है। तो मैंने पहले दूसरे कटोरी में भिगोया था तो ये फूल के ना वो गिर रहा था ज़्यादा, मतलब छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसमें शिफ्ट किया है। एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे जितने भी दाल थे उसको मैंने ऐसा पेस्ट कर लिया है, एक अच्छा सा पेस्ट। आलू काट के रखी हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट हम देते हैं किसी भी ऐसे रेसिपी पे। तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी देके बस इसको फ्राई कर लेंगे। पेस्ट करने के टाइम पे ना मैंने एक हरी मिर्च दी है जो कि मैं बोलना भूल गई थी, तो और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इसमें एक हरी मिर्च दे के मैंने दाल को पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं इस पेस्ट को एक सूखा डो बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने पैन पे फिर थोड़ा सा ऑयल दिया है और ये मैं पूरा कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से करूंगी। फ्राई करके उठा लिया है, अदरक थोड़ा सा अदरक लिया है, उसके साथ थोड़ा सा हींग लिया है, हींग क्योंकि हींग का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, और ये अदरक देख के मैं ये जो बैटर है इसको भी दे दूंगी। मिक्स किया है, उसके बाद मैं इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट दूंगी, शुगर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करते रहना है जब तक कि ये एक इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और एक डो जैसा बन जाएगा। तो इसको हमको तब तक कुक करते ही रहना है। तो जब तक ये होता रहे तब तक मैं यहाँ पे और एक पेस्ट बना लेती हूँ करी के लिए। और मैंने मिक्सर जार को धोया नहीं है, इसमें मैंने दाल पेस्ट किया था। तो इसमें मैं दे रही हूँ दो हरी मिर्च क्योंकि ये थोड़ा तीखा तीखा मीठा मीठा अच्छा लगता है, एक पक्का और एक कच्चा हरी मिर्च दे रही हूँ। तो अदरक थोड़ा ज़्यादा करके, टमाटर काट के रखी हूँ, टमाटर, नारियल भी दे रही हूँ, नारियल को भी कट करके रखी हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने हरी मिर्च अच्छा खासा दिया है इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी मिला के मैं इसको एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मसाला भी हो गया है, इसमें थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल दिया है और इसको हम अच्छे से हाथ से चारों तरफ फैला देंगे और ये जो दाल का डो जैसा बनाया है उसको इसमें गरम गरम ही डाल देंगे। ऐसे कोई भी चाकू से इसको हमको ऐसे शेप दे देना है, थोड़ा दबा दबा के इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे चारों तरफ क्योंकि इसको हमको डायमंड शेप में कट करना है। पहले काट लिया है, आपको जैसा शेप जमता है आप कीजिए, मैं भी डायमंड शेप में कट करूंगी। निमकी और जो नीचे के पोर्शंस है वो छोटे छोटे, कोई शेप नहीं होगा भी तो चलेगा। मैं इसको ऐसे उठा रही हूँ डायमंड शेप में, अभी मुझे इसको फ्राई करना है। मैंने ऑयल भी बिठा दिया है पैन पे और आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मैं शैलो फ्राई करूंगी। ये लेके ऑयल पे हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ढोकला जो है सब फ्राई हो गया है और एक दो ना थोड़ा साइड का जो कॉर्नर है उसको मैंने ऐसे गोल गोल करके फ्राई कर लिया है, और बाहर हो अचानक से आ गई है बारिश, और यहाँ पे आलू भी फ्राई करके रखा है और जो मसाला बनाया था उसको भी यहाँ पे उठा लिया है, कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पे भी मैंने धोखा फ्राई किया है ताकि वो जल्दी हो जाए। तो इस पे मैं अभी सबसे पहले दूंगी, और मैंने सरसों का तेल दिया है, तेल को अच्छे से गर्म किया है। अभी इसमें मैं दूंगी जीरा, जीरा देने के बाद मैं दे रही हूँ एक तेज पत्ता, एक दालचीनी और एक इलायची। मसाला बना के रखी हूँ इसको भी दे दूंगी। हल्दी ऐड कर रही हूँ। मसाला जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है, आलू भी पकता रहेगा, मसाले के साथ भी हम धीरे धीरे कुक करेंगे। तो ऑयल जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी दिया था ताकि जो मसाला है वो थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए। इसको मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, वेज रेसिपी थोड़ा मीठा मीठा खाते हैं। ये देख के लग रहा होगा बहुत पानी दिया है, लेकिन ये पानी पूरा सोख लेगा। मैं अभी स्वाद अनुसार नमक दूंगी। बस इसमें उबाल आ गया है और मैं यहाँ पे जो धोखा फ्राई करके रखी हूँ ऐसे
इसको भी धीरे धीरे दे दूंगी। जो धोखा है मैंने इसमें डाल दिया है, अभी इसको हम अच्छे से थोड़ा उबलने देंगे, क्योंकि जो धोखे के अंदर पूरा जो ग्रेवी का मसाला का जो टेस्ट है वो अंदर चला जाए। तो तेल है वो एकदम अच्छे से रिलीज हो गया है, तो इस टाइम पे मैं दे दूंगी घी, क्योंकि वेज किसी भी कुकिंग में हम लोग घी अच्छे से देते हैं। 2 चम्मच भर के घी, गरम मसाला पाउडर। धोखा डालना एकदम रेडी है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। सब काम हो गया है, कुकिंग हो गया है, अभी सिर्फ जो इतने सारे कपड़े उठा के लाई हूँ उसको फोल्ड करना है। यहाँ पे दिख रहा है इतना, लेकिन अंदर बहुत कपड़ा है, स्पेशली मिष्टू का छोटा छोटा छोटा। तो आज है फ्राइडे और मतलब 8 तारीख, तो आज अभी स्कूल जाना है मिष्टू के कुछ देर बाद, मतलब 1:30 से 3:30 बजे तक का टाइम रखा है। हम जो लास्ट वीक नोटबुक सबमिट करके आए थे सैटरडे को, तो आज नोटबुक्स साइन करके देंगे। अभी मिष्टू का क्लास जस्ट ख़त्म ही होने वाला है, अभी 12:25 हो गया है और श्रीधर भी आ गई है, वो अपना काम कर रही है। तो चलिए आज इस वीडियो को भी पेंट करते हैं, कल इवनिंग से स्टार्ट किए। हैप्पी नवरात्रि, आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।